वक्र महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जाको राखे साईया मार सके ना कोई। कभी पास बैठो किसी फूल के पास, सुनो जब महकता है बहुत कुछ ये कहता है। ओ कभी गुनगुना के कभी मुस्कुरा के, कभी गुनगुना के कभी मुस्कुरा के, कभी चुपके चुपके जहाँ पे सवेरा हो, जहाँ पे बसेरा हो, सवेरा वही है। जहाँ पे बसेरा हो, सवेरा वही है। जहाँ पे बसेरा हो, सवेरा वही है। कुछ लोग इस दुनिया में इतिहास को रचने आते हैं, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि वो इतिहास को लिखते हैं।
इतिहास उनका सम्मान करता है क्योंकि असल में वो लोग इतिहास को बदलते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मैं नाम लूँगा सचिन तेंदुलकर का, लता मंगेशकर जी का और अमिताभ बच्चन साहब का। इसी की कड़ी में मैं एक नाम और जोड़ना चाहता हूँ जो कि हमारे बीच रहे, हमारे साथ थे, लेकिन ठीक एक वर्ष पहले हमें छोड़कर चले गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज कर्मयोगी, महान व्यक्तित्व के धनी, जिन्होंने खुद अपना इतिहास लिखा, अपने जीवन को खुद अपने हाथों से संवारा। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग इस नाम को जान भी चुके होंगे कि मैं आज बात कर रहा हूँ महाशय धर्मपाल गुलाटी जी के बारे में। और आज उनकी पहली पुण्यतिथि के मौके पर मैं महाशय जी को नमन करता हूँ, सलाम ठोकता हूँ, ना केवल अपनी तरफ से बल्कि आप सब देखने वालों की तरफ से भी, समस्त MDH परिवार की ओर से और बिग बी टॉकीज की ओर से मैं सलाम ठोकता हूँ आज महाशय धर्मपाल गुलाटी जी को, जिनका जीवन हम सबके लिए एक संदेश बनके हमेशा हमारे बीच में रहेगा। और इसी कड़ी में ये प्रोग्राम आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। एक नया प्रयोग कर रहे हैं, एक नए तरह का प्रोग्राम आपको हम दिखा रहे हैं। इसके विषय में सबसे पहले मैंने बात की थी उन्हीं के परिवार के एक सदस्य मनोज गुलाटी जी से, हम लोगों के बीच में बात हुई और ये विचार तय हुआ कि हमें ये कार्यक्रम करना चाहिए और ये श्रद्धांजलि हमें आज महाशय जी को देनी चाहिए। तो ये प्रोग्राम लेके मैं आप सब लोगों के समक्ष हूँ और इसमें हम कुछ खास गीत उनके लिए लेके आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं उनके जीवन को रिफ्लेक्ट भी करेंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे गीत जो उनको बेहद पसंद थे मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप सब लोगों को एक बात पहले ही बता देता हूँ कि उनको राज कपूर साहब बेहद पसंद थे, इसलिए राज कपूर साहब के भी कुछ गीत आज आपको देखने को मिलने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और वैसे देखा जाए तो इस महीने में ही, दिसंबर के महीने में राज कपूर साहब का जन्मदिन भी आता है, लेकिन आज मौका मेरे लिए ज़्यादा अधिक खास है क्योंकि आज का दिन है 3 दिसंबर और ठीक एक वर्ष पहले हमारे बीच से महाशय जी चले गए थे। तो मैं उनको नमन करता हूँ और अब इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहा हूँ। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला, गुपचुप तमाशा देखे बाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई,
काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में छुपाकर, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी, बोल क्या सूझी तुझको काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। सन 1923 सियालकोट, और सियालकोट वो शहर जो कि अविभाजित भारत का एक हिस्सा था और आज पाकिस्तान में मौजूद है, वहाँ पे एक मोहल्ला हुआ करता था, मोहल्ला म्यानपुरा, और म्यानपुरा में महाशय चुनीलाल जी का परिवार रहता था। चुनीलाल जी की 5 लड़कियाँ और 3 बेटे थे, उन्हीं बेटों में एक धर्मपाल जी जिनको हम महाशय जी प्यार से बोलते हैं और हमारे बीच में थे आज, जिनके लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो महाशय जी थे। और परिवार बहुत संपन्नता से रहता था, व्यापार था, लेकिन धर्मपाल जी का पढ़ाई में कुछ ज़्यादा मन नहीं लगता था, मन इधर उधर ज़्यादा डोलता था, पढ़ाई में कम रहता था। तो पिता ने कहा कि चलो इसको किसी काम में जोड़ देते हैं। तो पिताजी ने उनसे कहा कि भाई ऐसा करिए कि आप लकड़ी की दस्तकारी का काम सीख लीजिए, और उनको एक बढ़ाइयों की टीम के साथ लगा दिया काम पर। लेकिन उनका वहाँ कहाँ मन लगने वाला था, और वह काम छोड़कर वापसी आ गए। पिताजी परेशान हुए कि ना ये पढ़ाई कर रहे हैं ना ये काम कर रहे हैं, तो ये करेंगे क्या। तो पिताजी ने फिर इनको एक नई जगह काम के लिए भेजा, और इनको एक साबुन की फैक्ट्री में काम के लिए लगा दिया। लेकिन साबुन की बट्टी बनाने में भी इनका मन नहीं लगा, और वो साबुन की फैक्ट्री को छोड़ के दोबारा चले आए। अब पिताजी ने उनसे पूछा आप करना क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना ही कोई काम करना चाहता हूँ। तो पिताजी ने इनके लिए एक दुकान खोल दी, हार्डवेयर की दुकान खोल दी। लेकिन वो दुकान भी इन्होंने कोई ज़्यादा दिन नहीं चलाई, क्योंकि एक दिन कोई लोहे का भारी भरकम भट्टा इनके सर पर आ गिरा और इन्होंने वो काम को बंद कर दिया। अब पिताजी पूरी तरह से परेशान हो गए। चुनीलाल जी ने फिर सोचा इनके लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप ऐसा करिए, अब मेरे साथ ही मेरे काम में आ जाइए, और इसी में आप
हाथ बटाइए। तो वह अपने पिताजी के काम में जाके दुकान पर बैठने लगे। अब छोटी छोटी पुड़िया बना ली, एक आने दो आने की, और उनको लेकर इन्होंने बेचना शुरू करा। काम बहुत अच्छा चल रहा था, व्यापार इनका बहुत अच्छा तरक्की कर रहा था और आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान पिताजी ने 18 वर्ष पूरे होने पर बेटे धर्मपाल की शादी लीलावती जी के साथ कर दी और इनके घर में इस तरह से एक बहू का आगमन हुआ। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। चांद न चमकेगा कभी, आहा। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। हमारे प्यार के दोहराएंगी जवानियां, मैं न रहूंगी तुम न रहोगे फिर भी रहेंगे निशानियां। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर
दूसरी ओर आप सभी जानते हैं हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था। इससे पहले आप सभी जानते हैं हम गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे और हम अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी प्राप्त हुई। हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन दूसरी ओर एक वेदना भी जागी, क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं अंग्रेजों की एक पॉलिसी रही है फूट डालो और शासन करो, और उन्होंने फूट का एक ऐसा बीज हमारे देश में बो दिया था जिसके चलते हमारा देश दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा बना पाकिस्तान और एक हिस्सा बना भारत। तो ऐसे में महाशय जी के परिवार को सियालकोट से पैदल ही भारत की ओर चलना पड़ा और उनका परिवार आके रुका अमृतसर। हर ओर लाशों और खून का मंजर था, माहौल बदल चुका था और हर तरफ वेदना, कष्ट और दुख था। परिवार कहीं बिछड़ रहे थे, कहीं पति से पत्नी का विरह था, तो कहीं बहुत से लोगों ने अपने निकट जनों को खो दिया था। बहुत बड़े दुख का माहौल था और हर ओर केवल वेदना और पीड़ा ही थी। भीगा भीगा
और ऐसे में धर्मपाल जी का परिवार अमृतसर की ओर से लुधियाना पहुंच गया और लुधियाना के रास्ते से अंत में वह दिल्ली आके रुके। दिल्ली में एक रिफ्यूजी कैंप में उन्होंने शरण ली और करोल बाग में उन्होंने एक ज़मीन पर कब्जा करके अपना घर बनाया, अपना आशियाना बनाया। और ऐसे में परिवार का लालन पालन करने के लिए धर्मपाल जी ने अंतिम बचे कुछ पैसों में से एक घोड़ा और एक तांगा खरीद लिया और उन्होंने तय किया कि अब वह घोड़ा गाड़ी चलाकर ही परिवार का पालन पोषण करेंगे। और फिर एक नए सफ़र की शुरुआत हुई। रोज दिल्ली में कुतुब रोड से लेकर सदर बाजार तक वह रोज अपना तांगा चलाया करते थे। वो हाथ जो कभी मसाले बेचा करते थे, जिनके मसालों की तूती बोला करती थी, अब वो दिल्ली की गलियों में घोड़ा गाड़ी चला रहे थे। दो आने की आवाज़ लगाते थे वो, और डेली वो इसी प्रकार से चाबुक मारते थे घोड़े की पीठ पर और घोड़ा दौड़ता था। और वो अरबपति जो आगे जाके जिसका नाम पूरी दुनिया में फैला, इस प्रकार से एक घोड़ावान बन गया, एक घोड़ा चालक बन गया, कोचवान बन गया और वो घोड़ा चलाने लगा और वो बदल गया मर्द टांगे वाले में। जाको राखे साईया मार सके ना कोई। टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। पतरे की है मोटर का जानवर सी नहीं वफादार, हो पतरे की है मोटर का जानवर सी नहीं वफादार। हो खत्म तेल तो तोड़ दे दम, मरते दम तक चले टम टम। भाई बादल क्यों भाई मोती, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। माँ क्यों परेशान है, अपनी किस्मत पे हैरान है। माँ क्यों परेशान है, अपनी किस्मत पे हैरान है। सुख तो दो दिन की बहार, नानक दुखिया सब संसार। क्यों भाई बादल क्यों भाई मोती, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला।
मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। मैं इसी बीच आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने प्रोग्राम में आपको टोका नहीं और इंट्रोडक्शन मैंने कलाकारों का दिया नहीं, तो मैं बताना चाहूँगा अब आपको कि अभी तक जो गीत आपके सामने आ रहे थे वो पेश कर रहे थे आनंदिता जी और धनपत राय जी, और आगे मैं भी उनका साथ दूंगा। आप सभी जानते हैं मेरा नाम विनीत चौधरी है और मैं आपके लिए कार्यक्रम लेकर आ रहा हूं। तो मैं ये कहानी आपको आज बता रहा हूं, एक नए तरीके की कहानी आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं, धर्मपाल जी के विषय में बता रहा हूं, महाशय जी के विषय में। और मैं आपको बता रहा था कि दो आने की आवाज़ रोज़ सुबह से लेकर शाम तक वो लगाया करते थे, कुतुब रोड से सदर बाज़ार तक उनका वो तांगा चला करता था और लोगों को इस तरह वह घुमाया करते थे। घोड़े की पीठ पर चाबुक पड़ता था और उसकी टापों का शोर लगातार उनके कान में गूंजता रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन इस बात से छटपटाता था कि उनको ये सब नहीं करना है। और अंत में महाशय जी ने भी तय भी कर लिया कि वो ये घोड़ा गाड़ी नहीं चलाएंगे, और उन्होंने तय किया कि आज से वो घोड़ा गाड़ी ना चला के दोबारे से अपने कारोबार की ओर रुख करेंगे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी महारत है उन मसालों को बनाने में, उन मसालों को बेचने में। और उन्होंने तय किया कि महाशय दी हट्टी जो कभी सियालकोट में पंसारिया बाज़ार की शान हुआ करती थी, अब करोल बाग में भी स्थापित किया जाएगा। जमाने में कोई हमारा नहीं, किसी का भी हमको सहारा नहीं। जमाने में कोई हमारा नहीं, किसी का भी हमको सहारा नहीं। नसीबों के काले सवेरे तो हैं, गरीबों के घर में अंधेरे तो हैं। नसीबों के काले सवेरे तो हैं, गरीबों के घर में अंधेरे तो हैं। कोई चांद कोई सितारा नहीं, किसी का भी हमको सहारा नहीं। सभी के लिए दुनिया है ये, हमारे लिए गम का दरिया है ये। सभी के लिए दुनिया है ये, हमारे लिए गम का दरिया है ये।
भंवर ही भंवर है ये किनारा नहीं, किसी का भी हमको सहारा नहीं। कहीं से किसी ने ना आवाज दी, रहे चुप खुदा और भगवान भी। कहीं से किसी ने ना आवाज दी, रहे चुप खुदा और भगवान भी, भगवान भी। किसे हमने जाकर पुकारा नहीं, किसी का भी हमको सहारा नहीं। महाशय जी की दुकान का काम शुरू हो गया और महाशय जी ने, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था, करोल बाग में महाशयां दी हट्टी के नाम से दोबारा से अपने मसालों का कारोबार शुरू कर लिया था और धीरे धीरे ईश्वर ने भी उनकी सुननी शुरू कर दी और काम ठीक ठाक चलने लगा। दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से दो। दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। तरम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है,
बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला, ला। पर्दे के पीछे बैठी सावन गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी, पर्दे के पीछे बैठी सावन गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी, ये डोरी ना छूटे ये बंधन ना टूटे, भोर होने वाली है अब रहना है थोड़ी, करम पम सर को झुकाए तू बैठा क्या है यार, गोरी से नैना जो फिर दुनिया से दो, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से दो, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला, 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 ला। तेरे कुछ भी माना, तेरा धर्म है अपना कर्म निभाना, ना हो बस में तेरे कुछ भी माना, तेरा धर्म है अपना कर्म निभाना, तेरे पीछे मत वाले सब सोचे जग वाले, आया था इस दुनिया में कोई मस्ताना, तरम पम हर दिल को तेरी याद आए तेरे पास, इतना तो करता जा फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला, 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 ला।
मुल्क आजाद था और सबको हक था कि हाथ बढ़ाएं और बना लें अपनी किस्मत, खुदा से ले लो अपने हिस्से की रोटी। और यही धर्मपाल जी की आंखों में भी सपना था, आजाद भारत की ही तरह। देश तेजी से विकास कर रहा था, संपन्नता की ओर बढ़ रहा था, और जिस प्रकार से देश संपन्नता की ओर बढ़ रहा था और हर तरफ खुशहाली फैल रही थी, इसी प्रकार से धर्मपाल जी भी आगे बढ़ रहे थे। वो भी अपने सपनों को अपनी मुट्ठी में कैद करने के लिए आगे बढ़ चुके थे। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। बापू नेहरू और गौतम की इस धरती को सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है नई उमंग, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। देश के विकास और समृद्धि के साथ महाशय धर्मपाल जी की किस्मत भी करवटें बदलने लगी। और अब महाशया दी हट्टी का नाम ना केवल करोल बाग में चलने लगा था, बल्कि दिल्ली भर से लोग उनके पास आने लगे थे। और काम को बढ़ता देख महाशय जी ने एक और दुकान रूपक स्टोर के नाम से करोल बाग में शुरुआत कर दी थी। मसालों की ही वो दुकान थी और वो भी चल निकली। और अब समय था सियालकोट पंसारिया बाजार की बहुत ही मशहूर दुकान MDH मसालों का तब्दील होना, यानी कि MDH का जन्म होना। MDH एक कंपनी का रूप ले चुकी थी और अब दिल्ली के लगभग हर हिस्से में, हर बड़े बाजार में MDH के मसाले मौजूद थे और MDH के चाहने वाले अब पूरे दिल्ली भर में मौजूद थे। और यहाँ से एक शुरुआत हुई एक नए सफ़र की, जो सफ़र कभी घोड़े की टापों के साथ चल रहा था, आज वो अरबपति बनने की राह के ऊपर चल पड़ा था। और ये सफ़र महाशय जी को बहुत आगे लेकर गया और उन्होंने अपनी सच्चाई, लगन, कड़ी मेहनत के साथ लगातार इस सफ़र को तय किया। और लेकिन साथ साथ उन्होंने लोगों के लिए हमेशा अपने दिल खोल के रखा। लोगों की मदद करना उनका एक स्वभाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा था और वह हमेशा लोगों के लिए खड़े रहते थे। उनकी दरियादिली मशहूर थी, इसलिए मैं कहता हूँ कि वाकई में एक वह बड़े दिल वाले इंसान थे। La 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 जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीने का रंगीन मौसम ये खूबसूरत जमाना, जीने का रंगीन मौसम ये खूबसूरत जमाना, अपने यही चार पल हैं, आगे है क्या किसने जाना। जीना जिसे आता है वो इनमें ही मौज मना ले,
की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी। ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी। दिल तोड़ना ही न जाने, जाने ये दिल जोड़ना भी। इस जिंदगी का शुक्रिया सदके मैं ऊपर वाले। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। ला 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 ला। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। महाशय जी का नाम आगे बढ़ता जा रहा था, और ना केवल नाम बढ़ रहा था, उनका व्यापार भी लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक चीज़ आज भी उनके अंदर मौजूद थी, वो थी राज कपूर जी के प्रति उनका प्रेम। जैसे वो राज कपूर जी को पहले प्रेम करते थे, शायद वो ताउम्र उसी प्रकार से राज कपूर जी को प्रेम करते रहे। और खाली समय में अक्सर वो राज कपूर जी के गाने सुना करते थे, जो कि उनको बेहद पसंद थे। ऐसा ही एक गीत मैं आपके लिए और लेके आ रहा हूँ।
और अब महाशय धर्मपाल जी केवल दिल्ली तक सीमित नहीं थे, अब पूरे भारत में उनका व्यापार फैल रहा था। लगभग पूरे भारतवर्ष में उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स थे और उनके मसाले पूरे देश में उपलब्ध थे। वो देश का एक जाना माना नाम बन चुके थे। जिस प्रकार से उनका व्यापार बढ़ रहा था, संपन्नता उनके परिवार में आ रही थी, एक चीज़ बरकरार थी कि वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे और हमेशा धर्म के प्रति निष्ठावान रहे। लेकिन वो कभी भी अंधविश्वास और धार्मिक विद्वेष के पक्षधर नहीं रहे। वे हमेशा इस चीज़ की खिलाफत करते रहे। वो हमेशा प्रेम और शांति के पक्षधर रहे और वह हमेशा प्रेम और शांति का संदेश लोगों के बीच में देते रहे। और आज 3 दिसंबर है और इत्तेफाक से आज देवानंद जी का भी पुण्यतिथि है और इस अवसर पर मैं उन्हीं की फिल्म का एक गीत ले रहा हूं और आशा करता हूं आप सबको पसंद आएगा। साथ ही मैं आप सबसे निवेदन भी कर रहा हूं कि आज आपको एक कार्यक्रम कैसा लग रहा है ये भी मुझे लिख के बताते रहें। चिट्ठी लिख दीजिए, ईमेल कर दीजिए, जवाब ज़रूर दूंगा लेकिन लिखिएगा ज़रूर। तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। देखो दीवानों तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो,
बदनाम ना करो। राम को समझो कृष्ण को जानो, नींद से जागो ओ मस्तानो। राम को समझो कृष्ण को जानो, नींद से जागो ओ मस्तानो। जीत लो मन को पढ़कर गीता, जीत लो मन को पढ़कर गीता। मन ही हारा तो क्या जीता, तो क्या जीता। जीवन को नशे का तुम गुलाम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। राम ने हंस कर सब सुख त्यागे, तुम सब दुख से डर के भागे। राम ने हंस कर सब सुख त्यागे, तुम सब दुख से डर के भागे। कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई, कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई। तुमने फर्ज से आंख चुराई हो राम दुआई। जीवन नाम है काम का आराम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। अब MDH के मसाले भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मौजूद थे, लगभग पूरे विश्व में मौजूद थे। मैं बात करूं यदि अमेरिका की, तो लगभग हर बड़े शहर के बड़े बड़े स्टोर्स में MDH मसाले उपलब्ध थे। दुबई में MDH के अपने ऑफिसेज और उनके स्टोर्स थे। ऑस्ट्रेलिया और तमाम बड़े बड़े मुल्कों में अब MDH मसाले उपलब्ध थे। एक प्रकार से 100 से अधिक देशों में MDH के अपने दफ्तर, अपने स्टोर्स और उनके मसालों की उपलब्धता थी। MDH मसालों की दुनिया में विश्व भर में एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था, बल्कि पूरी दुनिया उनको मसाला किंग के नाम से जानती थी। संपन्नता जहां उनसे एक रिश्ता जोड़ चुकी थी, उसी प्रकार से उन्होंने भी रिश्ता नहीं तोड़ा अपनी जड़ों से। वो हमेशा निष्ठावान रहे अपने परिवार के प्रति और अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति। उन्होंने खुल के लोगों की मदद करी और इसी बीच उन्होंने जनकपुरी में, दिल्ली में जनकपुरी में एक बहुत बड़े अस्पताल की स्थापना करी। माता चनन देवी हॉस्पिटल उन्होंने अपने माता जी के नाम पर स्थापित किया, जहां पे सभी का इलाज होता है। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो। इसके अतिरिक्त MDH के नाम से उन्होंने बड़े स्तर पर स्कूलों की एक श्रृंखला की स्थापना करी। मैं जैसा कि बार बार आपको बता रहा हूँ कि लोगों के प्रति वो हमेशा मददगार रहे, लोगों की मदद करना उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका था। और इसी बीच में
देश की तरफ से उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये एक बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी कि वो आदमी जो कभी तांगा चलाता था दुआने में, आज वो मसाला किंग के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाने लगा। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, आज कम है तो कल है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, आज कम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही। जिंदगी रात भी है सवेरा भी है जिंदगी, जिंदगी रात भी है सवेरा भी है जिंदगी। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है जिंदगी, जिंदगी है सफर और बसेरा भी है जिंदगी। एक पल दर्द का ताप है, दूसरा सुख भरी छाव है। हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे। अपनी आंखों में आशाओं के दीप जलाते रहे। आज बिगड़े तो कल फिर बने, आज रूठे तो कल फिर बने। वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, आज कम है तो कल है।
वहाँ से धर्मपाल जी सही मायनों में कर्मयोगी और एक महान व्यक्तित्व थे, लेकिन समय के क्रूर हाथों ने आज से ठीक एक वर्ष पहले यानी कि 3 दिसंबर 2020 को उनको हमसे छीन लिया, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों जब मैं उनसे एक बार मिला तो मैंने उनको कहा कि आप बहुत महान हैं, बहुत महान काम कर रहे हैं और ईश्वर हमेशा आपको बहुत बड़ा बनाए, बहुत बड़े बने आप रहें। मैं उनको ऐसा कुछ बोल रहा था, आप लगभग 100 से भी ज़्यादा वर्षों तक जिए। तो उन्होंने मुझे हंसते हुए एक बात को बोला कि अरे इसका दिमाग ख़राब हो गया है, ये मुझे कह रहा है कि आप 100 वर्ष तक जियो, अरे मैंने तो कभी मरना ही नहीं है। वो लाइफ के प्रति इतने ऊर्जावान थे कि कभी वो इस बात को सोचते भी नहीं थे कि जीवन का कभी अंत भी होगा। मेरा जो ये सफ़र है लोगों के लिए वो हमेशा चलता रहे, मैं लोगों के लिए इसी तरह काम करता रहूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंतिम समय तक भी महाशय जी अपनी उसी दिनचर्या में रहे जिस दिनचर्या को उन्होंने अपनाया था दिल्ली आने के बाद। वो लगभग रोज़ सुबह 4 बजे 5 बजे लोगों को दिख जाया करते थे दिल्ली के नेहरू पार्क में एक्सरसाइज करते हुए, दौड़ते हुए। वो हमेशा अपने उसी दिनचर्या में रहे, सुबह सुबह उठ के रोज़ सभी फैक्ट्रियों को उनको चक्कर लगाना उनकी दिनचर्या का एक बहुत अभिन्न अंग था। वो अंत तक इसी तरह लोगों के लिए काम करते रहे और उनका यही जीवन था और यही संदेश वो आज हमको देखे गए हैं कि हमें जीना है, काम करना है, काम करते रहना है, प्रेम और शांति को बनाए रखना है। और मैं ये कह सकता हूँ कि महाशय जैसे लोग कभी मरते नहीं हैं, महाशय जैसे लोग हमेशा अमर हो जाते हैं और हमारे बीच में एक संदेश बनकर जिंदा रहते हैं। जहाँ पे सवेरा हो